कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली पूर्ण बहुमत के साथ ही हार और जीत के कारणों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के पीछे कई वजह बताई जा रही है। लेकिन राजनीतिक दलों को हुए नफा नुकसान से पहले ये समझते हैं कि उन दलों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों तथा उछाले गए मुद्दों का मतदाताओं पर क्या और कितना असर हुआ। कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत में तो लोगों से जुड़े मुद्दे शामिल रहे, लेकिन बीच में अचानक से अमूल बनाम नंदिनी विवाद चरम पर पहुंच गया। दो दूध कोऑपरेटिव को लेकर यह विवाद इतना बढ़ा कि इसमें तमाम कई बड़े राजनेता कूद पड़े और अपनी अपनी राय देने लगे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। बीजेपी ने पीएम मोदी पर की जा रही इन अभद्र टिप्पणियों का फायदा लेने की भी कोशिश की। जो राजनीति जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। कर्नाटक चुनाव में द केरल स्टोरी भी काफी हावी रहा। बीजेपी ने फिल्म द केरल स्टोरी का न सिर्फ खुलकर सपोर्ट किया बल्कि इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए भी खूब किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और केरल की पार्टियां इसका जमकर विरोध करती रही। लेकिन फिर अचानक कर्नाटक की हर रैली में बजरंग बली का जिक्र होने लगा। बजरंग बली की। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर सियासी दौड़ में आगे निकलने की कोशिश की। अब नतीजों से साफ है कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं हुआ।